हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांति शूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे थे बोर्ड परीक्षा के लिए, तो उसी न्यूमेरिकल्स की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि ये जो सीरीज है इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहे हैं, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। तो देखिएगा, ये न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 9 है और इस पार्ट में आज बहुत ही शानदार प्रश्न हम लेंगे। जैसे कि देखिए, ये प्रश्न आपको लिखे हुए हैं, राइट। तो इन प्रश्नों को करने से पहले कुछ चीजें समझो। सांद्रता का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये प्रश्न अपने आप में समझ में आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। सांद्रता आपको नहीं समझ में आएगी तो ये प्रश्न करने का फिर कोई औचित्य नहीं बचता है, क्योंकि ये प्रश्न ही सांद्रता पर डिपेंड है। सांद्रता आप नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको समझना बेहद जरूरी है। ऐसे ही सीखना होता, ऐसे ही पढ़ना होता तो आप किताब से पढ़ लेते। आपने बहुत सारे टीचर हैं तो आप माय चैनल पर आए हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो समझना बेहद जरूरी है, समझाएंगे हम। देखिए, सांद्रता बेसिकली आपसे यदि कभी भी पूछ ले, यानी परिभाषा और भाषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको न्यूमेरिकल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सांद्रता यदि पूछ ले किसी पदार्थ की सांद्रता, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? ग्राम में मात्रा, यानी पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन ये बट्टे है, बट्टे आयतन, वो भी कैसा, लीटर में। पदार्थ की मात्रा बट्टे पदार्थ का आयतन, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बट्टे पदार्थ का आयतन कितने, लीटर में। ओके, चलिएगा, आयतन बेसिकली एमएल में भी होता है, तो आपको क्या किस में निकालना है, आपको निकालना है लीटर में, राइट। तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे, भी समझेंगे। दूसरा, एक पदार्थ की मोलर सांद्रता सवाल में आएगा, इस क्वेश्चंस में आएंगे, एक पदार्थ की मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता का मतलब क्या है, पदार्थ की देखिए सांद्रता और यह है मोलर सांद्रता। तो पदार्थ की मोलर सांद्रता का फॉर्मूला, पदार्थ की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में अपॉन पदार्थ की मोलर द्रव्यमान। देखिए, पदार्थ की सांद्रता यही वाली सांद्रता बट्टे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का भाग कर देंगे तो मोलर सांद्रता बन जाएगी, और नॉर्मली सांद्रता रहेगी तो वो सांद्रता है। ओके, एक क्वेश्चन आपको इनसे नहीं समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला से, तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल लेकर कैसे समझेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलने पर सांद्रता में मोलर सांद्रता ज्ञात करो। क्या बोला है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घुल दिया है। यानी देख लो, मैंने सारी चीजें आपको, ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। सांद्रता नॉर्मली हमें इसकी सांद्रता निकालनी है, ठीक है। तो सांद्रता कैसे निकलेगी भाई, सांद्रता आपको पता है क्या है फॉर्मूला, मात्रा बट्टे आयतन। मात्रा किसमें, ग्राम में लेनी है, और आयतन किसमें लेना है, लीटर में लेना है, यही तो फॉर्मूला है। ग्राम में मात्रा बट्टे आयतन, तो मात्रा बट्टे आयतन। तो देखिएगा, इसकी किसकी सांद्रता निकाल रहे हैं हम, ग्लूकोज की, यानी इतने ग्लूकोज को इतने एमएल में घोलना है, तो ग्लूकोज की हमको सांद्रता, तो हम ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा है 0.45 ग्राम, ओके। और इसके आयतन कितना है, आयतन देखिए, आयतन है 250 ml, 250 देखिए, 250 ml का मतलब है 250 बट्टे 1000, अब ये क्या हो गया, लीटर, ठीक है। ml से लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं, तो ये कितना दे रखा था, ये 250 ml दे रखा है, तो मतलब कितना, 250 बट्टे 1000, ये क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, तो इसका मतलब ये हुआ भैया, सांद्रता आपकी कितनी निकल आई, सांद्रता देखिएगा 1000 ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया 0.45 ये पहले से था इनटू इसमें, ये ग्राम को मारा गोली और इस लीटर को मारा गोली, क्योंकि ग्राम प्रति लीटर तो पीछे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ये आ गया, अपॉन नीचे कितना है, 250 है, ठीक। अब आपको पता है क्या, 250 इनकी एक जीरो से एक जीरो कट गई, 0.45 गुणा ये कितना हो गया, ये 100 बट्टे 25 हो गया, 25 चौके 100, चार बार कट गया, चार की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 4 5 20 की 0, 4 7 16 2 18,
कितने आ गए, दो अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यानी कि कितना आ गया, 1.80 आ गया। ये कितने का है, ये आपकी सांद्रता निकल आई। सांद्रता आपसे पूछेगा तो ऐसे निकलेगी सांद्रता डायरेक्टली, हम क्या करेंगे इसका मात्रक भी लिख देंगे ग्राम प्रति लीटर। ओके चलिए, अब मोलर सांद्रता आपसे पूछ ले, तो मोलर सांद्रता का फॉर्मूला क्या था, ये वाली सांद्रता बट्टे मोलर द्रव्यमान। हम किसकी मोलर सांद्रता निकाल रहे हैं, इस ग्लूकोज को घोला गया है तो ग्लूकोज की बात चल रही है, तो यहां पे लिख देंगे ग्लूकोज, जी का मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज की मोलर सांद्रता मतलब सांद्रता बट्टे ग्लूकोज का अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान। ग्लूकोज की सांद्रता बट्टे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो यहां पे लिख देंगे जी का मोलर द्रव्यमान, समझ में आ गई, एम मोलर का मतलब मोलर द्रव्यमान पूरा लिख देना, ग्लूकोज की मोलर सांद्रता बराबर ग्लूकोज की सांद्रता बट्टे ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। चलिएगा, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, ये शॉर्ट में आपको समझाने, देखिएगा ग्लूकोज जी, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, यानी कि आपका लिख दे रहा हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, C का होता है 12 गुणा H का होता है 6 प्लस H का होता है 1 गुणा ये हो जाएगी 12 प्लस O का कितना होता है 16 गुणा 6 लग रहे हैं तो 6 अणु हैं तो 6 की मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कितना, सॉरी हाँ ठीक है, C का 12 और ये गुणा 6 क्योंकि 6 है, H का 1 गुणा 12 O का 16 गुणा 6 12 छिंग कितना हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस और ये हो जाएगा 16 छिंग के 96। अब देख लीजिए कैसे करेंगे हम, आपको वैसे भी पता चल रहा है, देखिए ये 96 है, 96 और 2 ये 12 का 2 ले लो और ये 2 ले लो, 96 और 2 98 और 2 100 यहाँ पे 10 बचे यहाँ पे 70 बचे तो कितना हो गया 180 जोड़ लेना, आप इतना तो समझ में आ रही है, वैसे ही 6 2 8 2 10 की 0 9 और 1 10 10 7 70 और 1 18 खांसी वाला, तो ग्लूकोज इसका ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 180 आ गया, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 और सांद्रता कितनी आई है इसकी 1.80, ठीक है। जब हम इससे इसका भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, देखिएगा ये एक और एक दो अंक में आगे ले जाऊं तो 180 आ जाएगा और इससे इसमें भाग करेंगे तो मतलब ये है कि आपका, देखिए ध्यान से समझ लेना कि यदि मैं क्या करने जा रहा हूं, 180 का 180 में भाग करता तो कितना आता, 1 आता, 180 का 180 में भाग करता तो 1 आता, तो लेकिन आप पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, दो अंक हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 10 लगा के, यानी कि पॉइंट यहां पर है तो हम दो अंक आगे ले जाएंगे, एक और एक अंक आगे ले गए तो इतना आ जाएगा आपका, समझ में आ गई बात, नहीं आई ठीक है, कितने आ गए 0.01। ये क्यों आया, देखो आपको मैं समझाऊं, देखो ऐसा समझ लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट में हटा दूं तो नीचे क्या हो जाएगा, एक और एक दो अंक लग रहे हैं तो नीचे दो घाते हैं, दो जीरो बढ़ जाएंगी, या ऐसा समझो कि इसको मैं क्या ले गया, एक और एक दो अंक आगे ले गया तो हम इसको लिख देंगे 1.0, यानी कि 180 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। देखिएगा ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, एक और एक दो अंक में पीछे ले गया तो 10 की घात में कितना आ गया -2, नीचे 180 है, अब क्या होगा 180 से 180 कट गया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -2, और 1 गुणा 10 की पावर -2 का मतलब, एक का मतलब हो गया 1.0, ठीक है, और गुणा 10 की पावर ये है -2, -2 का मतलब क्या है कि भैया ये यदि घातें इधर जाती हैं तो प्लस की घातें आती हैं, तो हम क्या करेंगे कि देखिएगा इसको एक अंक आगे ले जाएंगे तो एक घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर -1 बचेगी, फिर इसको एक और ले जाएंगे तो मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट यहां पर क्या आता है, इसको ऐसा समझो 0 मान लो, ठीक है, अब ये इस तरह से है, अभी भी तो जे 0.01 मतलब ये 1 ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक और एक दो अंक आगे लेकर जाएंगे तो हम इसको लिख देंगे कितना 0.01। और ना समझ में आए एक और चीज, ठीक है,
ठीक है ना, समझ में आ रही। तो ऐसे देखो, इस 10^-2 का मतलब ये होगा 1/(नीचे आ जाएगा 10^2, ये प्लस के 2 हो गए, मतलब 1/100 आ गया। ठीक है, और 100 में भाग करेंगे हम, 100 के से भाग करेंगे 1 में, तो 1 में 100 का भाग कैसे करेंगे आप जानते हो कि भैया कैसे, 100 की ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे ये 0, अभी भी ना जाने की 0, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 100 × 100 पूरा कट गया। ठीक है, अब कैसे भी कर लो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, और ना समझ पा रहे तो आप देखो ऐसे समझाता हूं, जब भी याद रखो कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 1 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, हाँ, और आपको पता है कि ये 180 से 180 कट गया एक बार आगे कट गया। ठीक है, एक बार कटने का मतलब ये है कि ये पॉइंट यहां पे आ गया, ठीक है, 1.0 इतना हो गया, लेकिन हमारा क्या था, पॉइंट के बाद 2 अंक इधर की साइड में थे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर पहुंचा देंगे 2 अंक। तो इसका मतलब ये, यदि यहां पे रखूंगा पॉइंट 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 अंक आया है, तो हम यहां पे करके 1 0 और लगा देंगे, तो ये 0.1 आ गया, समझ में आ गया, इतने मोलर एम लिख देंगे, इतने मोलर एम लिख दिया। ठीक है, ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो या इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने मोलर, 0.01, ठीक, ऐसे करके भाग कर देंगे, इतना तो समझ में आता ही है यार। ठीक, चलिएगा जल्दी से इसको कर लीजिए, तो सांद्रता ये हो गई, ये आ गई, ठीक है, मोलर सांद्रता ये हो गई, इसमें ही आपने ये चीज और साइड में कर लेना है, ओके, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं, इसको जल्दी से मिटा लीजिए। देखो ये वाला 0. इतने ग्लूकोज को इतने उसमें घोलने पर, तो ये वाला सवाल मैं यहीं से करूंगा, ठीक है, तो समझ में आ गई ना बात, चलिए ठीक, चलो अब मैं इस सवाल को, इसको याद रखना, यही सारी चीजें यहां पर आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमने क्या सीख लिया, देखो यहां से इस सवाल को करेंगे तब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, और इसको ही मैं मिटा दे रहा हूं, चलिएगा इसको भी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो सवाल में यहां से करना प्रारंभ करो, इसको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम 29वां सवाल कराएं या इसी को कराने, चलो पहले इसी सवाल को करा दे रहे हैं, इसी सवाल को करा दे रहे हैं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा इसको सवाल को कर देंगे तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आएगा ये देखिए, इस सवाल में दिया क्या, 31वें सवाल को मैं पहले सॉल्व करा दे रहा हूं, दिया है क्या, दे रखा है सवाल में 0° पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 250 ml जल में घोल कर विलयन बनाया गया, इसका परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, परासरण दाब ने पूछा है। ठीक, चलिएगा तो इसमें एक तो ताप दे रखा है, ताप कितना दे रखा है, ताप आपको दे रखा है 0°C। 0° का मतलब कितना हो गया, 0 + 273 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, केल्विन, यानी कि 273 ये क्या हो गया, केल्विन। ठीक, पहली बात, इतने मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा आपको दे रखी है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है आपका, 0.45 ग्राम, और इतने आयतन दे रखा, आयतन कितना दे रखा है, आयतन आपको दे रखा है 250 ml, 250 ml का मतलब कितना हो गया, 250/1000, ये क्या हो गया, ये लीटर हो गया। ठीक है, बोलकर परासरण दाब आपसे पूछा है, परासरण दाब हमसे पूछा, परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, ये चीज आपसे पूछी है, ओके, कोई दिक्कत यहां तक। देखो ताप दे रखा है जो हमने केल्विन में बदल लिया, 0°C का मतलब 273 केल्विन, ग्लूकोज की मात्रा आपको दे रखी है 0.4 ग्राम, 0.45 ग्राम, और आयतन दे रखा है 250 ml, मतलब 250/1000, ये लीटर हो गया, परासरण दाब आपसे पूछा है। परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको नॉर्मली समझाऊं परासरण दाब का, तो मैं यहां पे लिख के बता दे रहा हूं, पाई बराबर होता है सी एस टी, सी होती है मोलर सांद्रता, एस यहां पर विलयन का स्थिरांक होता है, टी परमताप होता है, परमताप यानी कि ये वाला ताप। ठीक, तो ये मोलर सांद्रता है, तो मोलर सांद्रता आपको पहले निकालनी पड़ेगी यहां से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की मोलर सांद्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए, ग्लूकोज की यदि मोलर सांद्रता निकालेंगे तो ग्लूकोज का सांद्रता बट्टे
ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। और इसी फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए ग्लूकोज के पदार्थ की सांद्रता, यानी पदार्थ की सांद्रता यानी ग्लूकोज की सांद्रता हम निकलेंगे तो पदार्थ की सांद्रता निकलेंगे तो पदार्थ की मात्रा बट्टे आयतन, किसका पदार्थ का आयतन गुणा एक बट्टे मोलर द्रव्यमान, ये मोलर द्रव्यमान आ गया। तो मोलर द्रव्यमान यही तो फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों फॉर्मूला को मिक्स करेंगे पदार्थ की सांद्रता ऊपर आ जाएगी अपॉन ये पदार्थ का द्रव्यमान नीचे आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पर लिख देंगे ग्लूकोज की मोलर सांद्रता, ठीक है। तो पहले ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकालो, मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी ना, मोलर द्रव्यमान निकलेगा कैसे, देखिए तो मोलर द्रव्यमान निकालेंगे हम पहले फॉर्मूले के C6H12O6। अब तो अभी अभी निकाला था मैंने, सी का कितना है 12 गुणा एच का सी 6 लग रहे हैं, 1 गुणा 12 प्लस ओ का कितना, ओ का होता है 16 गुणा 6, तो ये कितना आया था 180 आया था। आप समझ गए होंगे ये कैसे 180 आया, अभी भी निकाला था, ठीक है चलेगा, ये 180 आ गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पदार्थ की मोलर सांद्रता, तो ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे हम यहां पे पदार्थ की जगह पर क्या फॉर्मूला बना देंगे, सीधे लिख देंगे यहां पर ग्लूकोज की मोलर सांद्रता बराबर ग्लूकोज की मात्रा, यानी ग्लूकोज की सांद्रता बट्टे ही है, ठीक है। और ग्लूकोज की सांद्रता का फॉर्मूला क्या, ग्लूकोज की सांद्रता का ग्राम में मात्रा बट्टे ये वाली, ठीक है चलिए। तो ग्लूकोज की सांद्रता कैसे निकलती है, ग्लूकोज की सांद्रता आपकी निकलती है, देखिए ग्लूकोज की सांद्रता निकलेगी ग्लूकोज की मात्रा बट्टे ग्लूकोज का आयतन। तो देखिए ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा है आपकी 0.45 ग्राम बट्टे, आयतन कितना है ग्लूकोज का आयतन है 250 बट्टे ये, देखिएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ग्लूकोज की सांद्रता का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की सांद्रता हो जाएगी आपकी ग्राम में मात्रा, यानी कि मात्रा बट्टे आयतन गुणा एक बट्टे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ये लिख दिया मैंने, ठीक है मोलर द्रव्यमान। चलिए इसकी मात्रा कितनी थी 0.45, ये कितना है 250 बट्टे 1000 गुणा एक बट्टे मोलर द्रव्यमान कितना आया था 180 आया था ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 0.45 गुणा 1000 बट्टे 250 गुणा 180, ये वही चीज बन गई पुरानी वाली। अभी मैंने बताया था क्या, 250 से 1000 कट गया 4 बार, तो कितना 0.45 गुणा 4 बट्टे 180, तो इसका मतलब कितना आ गया, इसका मतलब इसकी मोलर सांद्रता कितनी आ जाएगी, ये इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.80 आ जाएगा, नीचे कितना है 180 और इसका भाग करेंगे 0.01। अभी अभी निकाली थी ना, देखिए 4 × 5 = 20 की 0 और 4 × 16 = 18, दोनों के बाद पॉइंट आ गया, 180 बट्टे 1.80 बट्टे 180 आ गया, इसका भाग करेंगे इतना आ गया इतने एम, ये ग्लूकोज की क्या निकली मोलर सांद्रता निकल गई। जल्दी से कर लीजिए, पहले मोलर सांद्रता निकल गई, हमको तो क्या निकालना है परासरण दाब निकालना है, चलेगा। तो मोलर सांद्रता हमको पता चल गई, ग्लूकोज की मोलर सांद्रता कितनी आ गई, इतनी आ गई, ऐसे करके लिख लेना, ये पूरा लिखना, फिर उसके बाद में ग्लूकोज की सांद्रता, तो फॉर्मूला ये बन गया मोलर सांद्रता को ग्लूकोज की, यहां तक सॉल्व करा, यहां के बाद में ये दो लाइन और लिख दी इसके नीचे, ये फिर ये आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम, हमको चाहिए परासरण दाब पाई बराबर CST। चलिए C की मात्रा कितनी निकली है, अभी अभी निकाली है आपने, कितनी
0.01 गुणा एच, एस का मान 0.0821 ये कांस्टेंट होता है, पराशर दाब का मान 273। ये जब तीनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा वो हम आपको डायरेक्टली बता दे रहे हैं। इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.224। इसकी मल्टीप्लाई तो कर लोगे 0.224, इतना आ गया, इतने वायुमंडल। समझ में आ गई बात, इतना तो आप समझ गए। गुणा तो आप कर ही लो, कितनी भी बड़ी गुणा करवाए इतने 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 सबकी मल्टीप्लाई कर ले इतना आ जाएगा। ठीक, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सवाल हो गया, बहुत ही प्यारा सा था। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे सवाल कराते हैं। ये 31वां सवाल कराया था हमने, अब हम इससे अगला वाला सवाल कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही सवाल है, ऐसा ये देख लीजिए। ठीक, ये सवाल क्या कह रहा है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब। ठीक है, दिया क्या है वो देख लीजिए, दिया है, क्या दे रखा है, यानी कि एक पदार्थ की मात्रा आपको दे रखी है ग्राम प्रति लीटर में। ठीक है, तो मतलब कि क्या, पदार्थ की सांद्रता हो गई, ग्राम प्रति लीटर में मतलब सांद्रता, तो क्या हो गई, पदार्थ की सांद्रता आपको दे दिए कितनी, 45 ग्राम प्रति लीटर, और एक ताप दे दिया, ताप, ताप कितना दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितना हो गया, 20 प्लस 273, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 293 केल्विन हो गया। ठीक है, और ये दाब दे दिया, परासरण दाब, परासरण दाब यानी कि पाई बराबर कितना दे रखा, 3.2 एटीएम वायुमंडल। एटीएम का मतलब क्या है, वायुमंडल लिख दे रहा हूं सीधे, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। विलयन का स्थिरांक यानी कि आपसे एस पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मली जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली हम परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी एस टी होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और रह गई कि देखिए, एक पदार्थ है जिसका ये सांद्रता आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, ग्राम प्रति लीटर में दे रखी है, कितनी दे रखी है, लीटर में। तो अब ये मोलर सांद्रता आपको नहीं दे रखी है, ये केवल सांद्रता दे रखी है आपको। देखो यहां पर ये समझ लेना कि ये पदार्थ की सांद्रता, ये सांद्रता पदार्थ की जो सांद्रता दे रखी है, ना कि ये मोलर सांद्रता है, तो ये सी का मान नहीं है, ये सांद्रता है केवल, मोलर सांद्रता नहीं दे रखी। तब मोलर सांद्रता कैसे निकलती है, पदार्थ की सांद्रता बट्टे मोलर द्रव्यमान, ऐसी निकलती है, लेकिन यहां पर नहीं दे रखी। तो मतलब ये क्या, ये क्वेश्चन अधूरा है, तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं क्वेश्चन पूरा कैसे होगा। चलिए, हाँ, इसमें एक लाइन और रह गई है, यहां पे ब्रैकेट में दे रखा है पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा, बराबर 342। ये यानी कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पदार्थ का मोलर द्रव्यमान 342 है, तो ये लिख देना यहीं पे कहीं पे, यहां पे दिया है, इस लाइन में लिख देना मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर 342। ये आ गया, कोई दिक्कत, अब सही है ये, तो ये हो गया परासरण दाब। परासरण दाब का फॉर्मूला ये हो गया, सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, परासरण दाब, परासरण दाब का वैल्यू कितनी है, परासरण दाब की वैल्यू है 3.2 बराबर सी। देखो सी की वैल्यू नहीं दे रखी यहां पे, याद रखना सी की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी सांद्रता की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन सांद्रता बराबर होता क्या है, सी होती है मोलर सांद्रता, और मोलर सांद्रता बराबर क्या, यहां पे सी देखिएगा, सी बराबर लिख देंगे पहले, यहां पर सी लिख लेना साइड में पहले, इससे पहले आप क्या करोगे, यहां पर साइड में सी निकाल लेना, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर होता है सांद्रता बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो सी का वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी, सांद्रता कितनी है 45 बट्टे मोलर द्रव्यमान कितना है 342 है, 342 है, 342 ये चीज सी की वैल्यू होगी। तो ये अब परासरण दाब की वैल्यू 3.2, सी की वैल्यू कितनी होगी 45 बट्टे 342 गुणा एस की वैल्यू आपसे निकालवानी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 293। ठीक है, एस की वैल्यू आपसे पूछ गया, टी की वैल्यू 293, ये सारा कुछ वैल्यू आ गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 45 नीचे आ जाएगा ये, तो एस बराबर कितना आ जाएगा
देखिए 3.2 ये था, इसमें 342 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे आ जाएगा 45 गुणा, और ये 293 भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली कुछ कट रहा है उसको काट देंगे। ये 345 है, 342 में देखो 342 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इससे कुछ कट रहा है तो 3 2 6 इससे देखिए, इससे भी नहीं कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 5 4 9 4 2 6 और 3 9 तीन से कट जाएगा, ये तीन से कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, तो कैसे काटेंगे देखिएगा, तीन से इसको काट दीजिए हम, तीन से कैसे काटेंगे, 3 1 3 3 5 15 तीन से इसको काट, 3 1 3 3 1 3 3 4 12 इतना कट गया। ठीक है, 4 2 6 5 6 ये फिर तीन से कट जाएगा, किस 3 5 15 और ये तीन से फिर कट जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24 तो इतना इस ये कितना आ गया, ये इतना आ गया 3.2 × 38 और यहाँ पे आ गया 5 × 293। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, अब इसका तो मल्टीप्लाई में करके लिख दे रहा हूँ आपको, चलो यहाँ पे देखिएगा दोनों की मल्टीप्लाई, मेरे पास मोबाइल है कैलकुलेटर कर दे रहा हूँ तो बहुत ही आसानी मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे। ठीक है, कितना है 3.2 × 3.8 तो ये हो जाएगा 121.6 और नीचे ये क्या है 5 × 293 तो ये हो जाएगा 1465 ये। ठीक है, अब इसका इसमें 121.6 में भाग कर देंगे हम 1456 का तो ये आ जाएगा 1465 का तो ये आ जाएगा 0.083 इतना लिख लीजिए बस, और वैसे तो और भी आ रहा है लेकिन बस पॉइंट के बाद 3 अंक तक निकालना तो S बराबर इतना। इसका यदि हम मात्रक करेंगे तो मात्रक कितना हो जाएगा देखिएगा, इसका मात्रक करेंगे तो क्या हो जाएगा लीटर, लीटर वायुमंडल और डिग्री, डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, तो इसका मात्रक लिख लीजिएगा लीटर वायुमंडल डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक है। ठीक है, एल का मतलब लीटर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, डीईजी का मतलब डिग्री इनवर्स और एमओएल का मतलब समझो मोल इनवर्स, तो इसका मात्रक बन गया, मात्रक जरूर याद रखना। ठीक है, परासरण ये परा, ये यानी विलयन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक का मात्रक है, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। चलिए तो समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को पढ़ते हैं, आई होप आपको तो सब चीज समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे करा रहे हैं लेकिन हर चीज समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा प्रश्न है लेकिन है बहुत अच्छा। क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दर, क्या कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसी मोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि देखो एक तो ताप दे रखा है, दिया क्या है ताप दे रखा है आपका कितना 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 27 प्लस इसमें 273 हम जोड़ देंगे तो ये 300 इतने केल्विन हो जाएगा। देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 जोड़ देते हैं तो वो केल्विन बन जाता है ताप, तो ये हो गया, आप समझ रहे हो। चलिए अब ये देखिए डेसी मोलर का मतलब क्या है, डेसी मोलर का मतलब देखिए, डेसी मोलर का अर्थ समझ लो पहले, तो भैया डेसी मोलर का मतलब अर्थ है कि ये डेसी मोलर का मतलब ये क्या है कि एक डेसी मोलर बोलेंगे इसको भाई, डेसी मोलर का मतलब एक डेसी मोलर, ये कहता है कि 10 डेसी मोलर तो मतलब 10, तो ये डेसी मोलर बोल रहा है। और नॉर्मली डेसी मोलर का अर्थ होता है कि भैया इसकी जो मोलर सांद्रता है, इसकी मोलर सांद्रता कितनी होगी 1/10 m होगी, 1/10 m। ठीक है, डेसी मोलर का मतलब, और 5 डेसी मोलर का मतलब तो क्या हो जाता 5/10, 100 का मतलब 100/10, समझ रहे हो ये चीज होती है। तो इतने एम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, मोलर सांद्रता आपको पता चल गई और विलयन का परासरण दाब आपसे पूछा है, परासरण दाब आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, CST होता है,
सी यानी मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता कितनी दे रखी है, एक वर्ड पे 10 दे रखी है, एस एस का मतलब 0.0821 और ये 300, ये आ गया 300, चलिएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इससे ये कट गया तो कितना आया 0.0821 × 30, ठीक है। एक जीरो खत्म करेंगे तो एक अंक आगे चला जाएगा, तो 0. ये एक अंक आगे चला गया 0.821 × 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 = 6 × 3 = 24, इतना आ जाएगा। 3 अंक बाद पॉइंट इतना आ जाएगा पाई बराबर इतने वायुमंडल, आया ना आया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। बस ये डेसी मोलर का यहाँ पर खेल है, डेसी मोलर का नहीं मतलब पता तो कुछ भी नहीं पता, 5 डेसी मोलर कहता तो मतलब क्या हो जाता 5/10 एम, एम का मतलब क्या वही चीज, ठीक है आप समझ रहे हो। तो आई होप कि ये चीज आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी, ठीक है। पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, दो चैप्टर का न्यूमेरिकल खत्म, यानी दो चैप्टर से हमने 31 न्यूमेरिकल्स आपको दे दिया, यानी 29, 30, 31। अब जो आगे बचे हैं दो चैप्टर, तो दो चैप्टर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आगे से स्टार्ट होंगे। आई होप कि आज तक सब कुछ समझ में आ गए, मैंने दो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही पार्ट 9 बन गए हैं, ठीक है। अब तो बाकी कम बचे हैं क्योंकि मैंने इसमें 40 और 45 न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो लगभग 10 या 15 न्यूमेरिकल और आपको मिलेंगे, केवल 10 से 12 न्यूमेरिकल्स और मिलेंगे। सो ये आपकी पूरी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स खत्म, क्योंकि 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, लगभग 10 से 15 नंबर के, 10 से 12 नंबर के आते हैं, तो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में जो भी चीज़ समझ में आई है, ठीक है, नहीं समझ में आई कमेंट जरूर करना, नए बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को आगे तक शेयर भी करना वीडियो को, ताकि आप और आपसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी कुछ थोड़ा सा भला हो सके और कुछ हमारा भी भला हो सके, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।